हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स GT10 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके जो मोबाइल फोन का इंटरनेट का रिचार्ज है ना, वो आपका कहीं खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्मेशन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कई बार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड आना है और यहां पर आपको सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको दोबारा से इसे रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। आपको थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यहां पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इस कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, इसे आपको टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है। आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच का, इस ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है डिलीट ऐप डेटा का, इसमें आपको ओके पे टैप करना है। तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा ही आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन का एक कॉलिंग का ऐप रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, जिस कंपनी की सिम है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। इसका अगला पेज आपका APN का होगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को भी रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, ठीक है। अब यहां पर आपका एक छोटा पेज ओपन होता है, इसमें आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको रिस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे नीचे आपको सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की भी जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।